नमस्कार। आज हम आपके सामने लेके आए हैं साउथ की एक और प्रसिद्ध डिश जो कर्नाटका को बिलोंग करती है। इट इज बेसिकली अ खिचड़ी जिसका नाम है बिसी बेड़ा पुड़ी अन्ना। ये एक्चुअली वेजिटेबल खिचड़ी है जिसमें आप सामने देख रहे हैं कैप्सिकम, कैरेट और ग्रीन पीस, ये मेन है। इसके अलावा अगर आपके पास कोई और वेजिटेबल हो आप वो भी डाल सकते हैं। अदर देन दिस वी हैव इमली जो थोड़ी सी हमने ली है खट्टेपन के लिए, जो हमने पानी में सोख करके रखा है। थोड़ा मीठापन चाहिए इसलिए हमने थोड़ा सा गुड़ भी ले रखा है। और चावल के साथ हमने तूर दाल दी हुई है। ये दाल को हमने ऑलरेडी पानी में सोख किया हुआ है। इसे हम रफली हाफ एन आवर रखेंगे। अब मैंने 1:1 दिया है, डेट इज 1 कप राइस एंड 1 कप तूर दाल। इनको खुले पानी में रखना है बिकॉज इट्स गोइंग टू बी अ खिचड़ी, तो पानी का मेजरमेंट हम नहीं लेंगे। इनफैक्ट अगर हमें ऐसा लगा कि पानी और चाहिए तो हम ऊपर से अलग से और डाल सकते हैं। तो इस प्रिपरेशन को हम देखते हैं आगे। हमने दाल को आधा घंटा सोक करके रखा था इंक्लूडिंग राइस। अब इसे हम गैस पे चढ़ा रहे हैं और गैस हाई फ्लेम पे रख दिया है। अब इसे उबाला आने दें। इसमें हम सिर्फ 2 चीजें डालेंगे, डेट इज हल्दी एंड नमक। नमक फिलहाल मैं 1 ही चम्मच डाल रही हूँ, आई विल बी एडिंग अनादर लेटर ऑन। हल्दी बहुत ज्यादा नहीं डालनी है, सिर्फ आधा डालेंगे। आधे से भी अगर कम डालते हैं तो भी चलेगा, दैट्स इट। अब जब एक उबाला आ जाएगा इसमें तब हम वेजिटेबल्स डालेंगे। आप देख रहे हैं उबाला आ गया है। अब हम इसमें सब्जियां डाल देंगे जो हमने तैयार रखी थी, कैरेट, कैप्सी एंड मटर। इन सब को हमने एक साथ पकाना है। ये डिश आप कुकर में भी बना सकते हैं पर कुकर में बहुत ही फाइन पेस्ट हो जाएगा, जो हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं ये सब्जियां हमें दिखाई दें और साथ ही साथ थोड़े से दाल के और चावल के दाने भी दिखाई दें। तो इसके लिए हम इसे एक ओपन वेसल में कुक करेंगे। अब मैं इसे स्लो फ्लेम पे धीमी आंच पे पकाऊंगी, एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स। आप देखेंगे हमारे जो राइस हैं अच्छे से कुक हो रहे हैं और सब्जियां भी कुक हो रही हैं, कुछ भी मैश नहीं हुआ है। हमें ऐसे ही रखना है, बट आई थिंक वी कैन ऐड लिटिल वाटर इनटू दिस क्योंकि हमें चावल और दाल को अच्छे से और कुक करना है। सो आई विल ऐड अ कटोरी ऑफ वाटर। इसे और 10 मिनट के लिए कुक करेंगे। हमारी खिचड़ी ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें 1 चम्मच नमक और डाल रहे हैं। साथ ही में मैंने इमली का पानी अब हम डाल सकते हैं, पहले नहीं डाला था क्योंकि हमें सब्जियां पकानी थी। और थोड़ा सा गुड़, एक अगर आप मीठा ज्यादा पसंद करते हैं थोड़ा ज्यादा लीजिए, कम पसंद करते हैं थोड़ा कम लीजिए। अगर बिल्कुल नहीं आपको मीठा चाहिए तो यू कैन अवॉइड गुड़, ये आपके ऊपर छोड़ती हूँ। और अब लास्ट में हमने डालना है पाउडर, बिसी बेड़ा अन्नम का ये जो पाउडर है बाजार में मिलता है। अगर आपके पास ये नहीं हो तो आप 1 चम्मच सांबर पाउडर और 1 चम्मच रसम पाउडर दोनों को मिला के डाल सकते हैं। मेरे पास है, मैं इसमें 2 चम्मच बिसी बेड़ा अन्नम के डाल रही हूँ। अब इसे हमने रफली 2 to 3 मिनट्स क्योंकि हमने कच्चा पानी डाला है इमली का, उसे पकने देंगे और गैस बंद कर देंगे। अब इसका हमें तड़का तैयार करना है, डेट इज बकार। तो ये हो जाए तो वी विल गो टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द डिश। हमारी खिचड़ी तैयार हो गई है बिसी बेड़ा अन्नम। अब हमें उसे बघार देना है। बघार के लिए हमने घी लेना है, तेल नहीं। घी मैंने ज्यादा लिया है, ऑलमोस्ट 1 कटोरी, उससे थोड़ा कम हो सकता है। अब इसे मैंने गरम करने रख दिया है। ये अच्छे से गरम हो जाए सबसे पहले हम डालेंगे उसमें जीरा और राई, ये 2 चीजें डालेंगे। फिर हम डालेंगे कड़ी पत्ता और कड़ी पत्ता लास्ट में हम डाल देंगे लाल मिर्च, इट्स जस्ट फॉर फ्लेवर। साथ में ऑफकोर्स हींग भी होगी।
फ्लेम थोड़ा बढ़ा रही हूँ, क्योंकि ये चीज़ें उड़ेंगी तो बहुत दूर तक उड़ती हैं, इसलिए धीरे से होने दीजिए। साथ में ही मैं कड़ी पत्ता भी डाल रही हूँ। जैसे ये आवाज आनी शुरू हो जाए आप गैस एकदम स्लो कर दीजिएगा। इसमें हींग डाल दिया, अब गैस बंद कर दीजिए। अब इसे मैं ट्रांसफर कर रही हूँ हमारी खिचड़ी में। एक अच्छा स्टर, ताकि घी जो है अच्छे से मिक्स हो जाए। आप देखेंगे बहुत ही बढ़िया कलर और खुशबू का तो मुझे ही पता है, जब तक आप खुद नहीं बनाएंगे आपको नहीं पता चलेगा। थोड़ा सा मैं ऊपर धनिया डाल रही हूँ। लीजिए, हमारी खिचड़ी तैयार हो गई। सादी खिचड़ी तो हम खाते ही हैं, बट वेजिटेबल साथ में हो तो और भी अच्छा। जैसे मेरा टारगेट हमेशा बच्चे रहते हैं, बच्चों के ड्रामे रहते हैं, ये नहीं खाऊंगा वो नहीं खाऊंगा, तो वेजिटेबल के साथ दाल चावल बहुत बढ़िया, हेल्दी भी है, टेस्टी भी है, एक नई चीज़ है जो बच्चे हमेशा डिमांड करते हैं। चलिए इसे परोसते हैं। लीजिए, हमारी देसी बेला पुली अन्ना तैयार है। साउथ की खिचड़ी, यू कैन से वेजिटेबल खिचड़ी, बहुत ही सिंपल एंड डिलीशियस। बनाइए, गारंटी है आपको बहुत पसंद आएगी। और मुझे इतनी पसंद आई है इस वक्त कि मैं खाने के लिए तैयार हूँ। जल्दी से आप मेरी इस डिश को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू सो मच।